नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको लोगों ने बहुत रुलाया है, आपकी सारी हदें पार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुनो दोस्तों, यह बात कहीं ना कहीं आप भी बहुत ही अच्छे से जान रहे हैं कि आपको लोगों के द्वारा कितना सताया गया है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपको नहीं समझ पाते हैं आप क्या चाहते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, यह बात आपको भले ही थोड़ी कड़वी और बुरी लग रही होगी, तो दोस्तों आपको बता दे, यदि आप इन बातों को बहुत ही गहराइयों से सोचेंगे तो आपको यह बातें बिल्कुल सत्य लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में हमेशा लोगों की खुशियों के लिए जीते हैं, आप अपने खुशियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। जब बात अपनों की खुशियों की आती है तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि आपके सामने कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है जो आपसे मदद मांगी, उन्हें आप मना भी नहीं कर पाए, यह या ना हो आप उनके लिए हमें भर देते हैं, फिर आप उसे कार्य को करने के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं। आप अपने ऊपर बहुत बड़ा चिंता ले लेते हैं, दबाव ले लेते हैं, फिर भी दोस्तों आप उन्हें मना नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी आदत आपके अंदर होती है, लेकिन आपके साथ वह व्यक्ति बड़ा ही बुरा कर जाता है। नेहा दोस्तों, समय आने पर वे आपको कुछ भी नहीं समझता है। दोस्तों, कुछ ऐसा आपके जीवन में होता है दोस्तों, इसके लिए आप काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ही सताए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, दुख क्या होता है या कोई आपसे जाने दिया। दोस्तों, जो दुख अपने जिला है, शायद ही किसी ने इतना दुख सहा होगा। दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानियाँ आई है, परेशानियाँ किसी के भी जीवन में आए होंगे। आपको हर एक छोटे से छोटे कार्य में भी बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों, लेकिन यह बात आपके अपने भी नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, आपके पास देखा जाए तो खाने के लिए तो सब आपके अपने हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप सोचे तो आपका कोई अपना नहीं है। कैसे? तो दोस्तों आपको बता दे, जब आपका दिल किसी बात के लिए बहुत ही दुखी होता है या आपके मन में तरह तरह की जो बातें चल रही होती है उन्हें बताने के लिए आपके पास कोई भी नहीं है, यह दोस्तों जिन्हें आप अपना समझ के अपने दिल के बातों को बात कर अपने दिल और दिमाग पर जो बोझ है उन्हें आप हल्का कर सके, आपके पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप अपने जीवन की कुछ बातों को अपने ही अंदर दफन कर देते हैं, घुट घुट कर आप जीते हैं, लेकिन आप किसी के पास अपने मन में चल रही बातों पर नहीं बता पाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख रहे हैं, यह दोस्तों खास करके उन लोगों से जिसे आपने बहुत ही प्यार किया, जिन पर आपने बहुत ही भरोसा किया, जिनके लिए आप अपने सब कुछ गवा दिए, लेकिन वह भी आपको कुछ नहीं समझ पाए। यहाँ तक कि दोस्तों अपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो किसी व्यक्ति से बहुत ही प्यार किया होगा, वह व्यक्ति भी आपको समझ नहीं पाया। जी हाँ दोस्तों, वह आप में ही कमियां निकाल कर आपको धोखा देकर चला गया, फिर भी आप उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। दोस्तों, आप तो बड़े ही भोले हैं। दोस्तों, आपको बता दे कि हर एक चीजों का हर एक सीमा होता है, हर एक हृदय होती है, लेकिन आपके जीवन के सारी हदें ही पर हो गई है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति इतना बोला भला सीधा साधा व्यक्ति इतना दुख सहा है कि दोस्तों भगवान भी अब नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अब जिन जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, वास्तव में अपने जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी हुए हैं, आपका दिल रो दिया है, तो अब उनके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा घटना होगा कि वह दिल और ईमानदारी के साथ दोस्ती निभाते हैं। उन्हीं के बारे में आपको बाद में पता चलता है कि वह आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे थे। यह दोस्तों ऐसी कई सारी चीज आपके जीवन में होती रहती है दोस्तों, लेकिन अब आपके जीवन में अब आपका रोना धोना बंद हो गया है, आप अपने चेहरे पर हमेशा खुशी लिए घूमते हैं, और यही कारण है कि आपके दुश्मनों को लगता है कि आप अपने जीवन में तो बड़ा ही सुखी है, बड़ा ही खुश है,
आपके जीवन में तो कोई कमी ही नहीं है। अब लोगों को क्या पता कि आपके अंदर कितना दुख छुपा हुआ है। दोस्तों, आप बहुत ही ज्यादा दयालु प्रवृत्ति के हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जब भी कोई आपसे चल करता है, आपके साथ बात से बड़ा धोखा देता है, और वही व्यक्ति जब आपके पास वापस आकर कुछ दिनों में माफी मांगता है तो आपका दिल पसन जाता है और आप उन्हें तुरंत माफ कर देते हैं और आप पहले के जैसे उनके साथ रहने लगते हैं, उनकी गलतियों को भूल जाते हैं और उसके बाद दोबारा से भी आपको धोखा मिलता है दोस्त। तो यही सिला आप अपने जीवन में हमेशा करते रहते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन अब और ऐसा नहीं होने वाला है। ईश्वर की जीवन में इतना आगे बढ़ेंगे कि दोस्तों अब आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको रोने धोने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए भी कई सारे चीजों का त्याग किया है। यदि आप विवाहित हैं तो दोस्तों आपको यह बातें बहुत ही सही लग रही होगी। क्या आपने अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके परिवार के लोग भी आपको कभी कभार गलत समझ बैठे हैं। उन्हें सिर्फ आपका दिल ही जानता है। आपका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। आप छोटे से उम्र में ही बहुत ही बड़े बड़े काम कर गए हैं। कई सारे तजुर्बे आपको आपके जीवन से मिल चुके हैं जो आपको यह एहसास दिलाते रहते हैं कि आपको इतने से उम्र में ही कई सारी दुनियादारी का ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज आपके जीवन में हुई है जो हर किसी के जीवन में नहीं होती है। हर एक समय पर हर एक चीज होता है, लेकिन आपके कम उम्र में ही कई सारे चीज आपके जीवन में हो चुके हैं जो आपको लोगों से भी बिल्कुल तरह से अलग कर दिया है। यह दोस्तों आज स्थिति आपके जीवन की ऐसी है कि जब भी कोई आपके पास आता है तो आप उनसे बात तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन दिल से बातें नहीं कर पाते हैं। शायद आपका मन लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा कहते हैं खट्टा हो गया है। तो कुछ ऐसा ही समय आपके जीवन में इस समय बना हुआ है। लोगों के प्रति आपका विश्वास बिल्कुल ही टूट गया है। कोई आपको शायद अब अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ जुड़कर चलते हैं, क्योंकि यह आपके अंदर खुफिया होती है। आप कभी लोगों की बड़ा के बारे में भी नहीं सोचते हैं, लेकिन लोग आपके बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, इस राशि के जातकों का अब यह समय बदलने वाला है। जितना लोगों ने आपको रुलाना था उन्होंने रुल लिया है, लेकिन अब और नहीं, अब सारी हदें आपके जीवन के लिए पर हो चुकी है। अब कोई आपको रुला कर जाए ऐसा ईश्वर होने नहीं देंगे। अब जो भी जैसा करेगा आपके साथ उनके शादी से वैसा ही होने वाला है। दोस्तों, अब आप अपने जीवन में खुश रहेंगे और बहुत ही सुखी रहने वाले हैं। आपके परिवार आपकी भावनाओं के लोग कदर कर सकते हैं, क्योंकि आपका पिछले समय में कुछ चीज ऐसी थी जिनमें आपके अपने विश्वास छोड़े थे और कोई भी आपको समझ नहीं पा रहा था। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आप सबके सामने बहुत ही श्रेष्ठ होने वाले हैं। अब लोगों को यह समझ में आएगा कि आपने जो भी कहा था, जो भी किया था, वह बिल्कुल ठीक किया था। और इस समय में कुछ लोग तो आपसे माफी भी मांगने आएंगे। कुछ इस समय में आपको अपने करीबियों का साथ भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपके घर परिवार के लोग आप समझने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका साथ भी देंगे। इस समय आपका पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और इसे चलते आप भी बहुत ही खुश रहेंगे। यदि आपका पारिवारिक जीवन में किसी बात पर लेकर कल चल रहा था, तनाव चल रहा था, या फिर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा था, अब इस समय उनसे कुछ हद तक छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपसे नाराज थे अब आप उन्हें मनाने में कामयाब भी रहने वाले हैं, जिसे देखकर आपके गली मोहल्ले के लोग काफी ज्यादा आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। यदि घर परिवार में कोई बंटवारे से जुड़ा मामला चल रहा है तो वह बंटवारा आसानी से हो जाएगा। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने जीवन से जुड़ा कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं,
जहां पर आपको सोच समझकर किसी भी निर्णय को लेना होगा धन्यवाद दे सकता है। शादी फैसला भी जल्दबाजी में आपको बाद में पछतावे के कार्ड बन सकता है। इस समय में दोस्तों आपका जो विरोधी है, आपके जो शत्रु है, वह आपके बनते कामों में रोड गाने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों के विवाह का प्रस्ताव आ रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके घर पर आ रहा है विवाह के लिए, तो ऐसे में आपका जो शत्रु है वह आपके लिए भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान बनाए रखें। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो आप अपने वादे को पूरा करते नजर आने वाले हैं। इस दौरान यदि आप किसी काम में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा रहेगा या जो समय है वह आपकी परेशानियों को खत्म करने वाला रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको अपने कामों के नीति और नियमों का पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आप लापरवाही में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का कार्य बन सकता है। करियर को लेकर परेशान चल रहे थे उन लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको अपने बड़ों की बातचीत करते समय कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। इस दौरान जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे थे उनकी इच्छा पूरी होगी, और जो लोग नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, काफी लंबे समय से इंतजार किया है, तो आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। दोस्तों आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया था तो वहाँ से आपको बुलावा सकता है। यह जो समय है बिजनेस के मामले में आपके मनमुताबिक लाभ देगा, जिसके वजह से आपकी प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय आपका कोई मित्र आपसे कुछ मदद मांग सकता है जिसे आप करने के लिए तैयार रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके मन मुताबिक लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपको पसंदीदा काम करने का मौका मिलेगा। आपकी तरह किस आपके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप काफी ज्यादा तरक्की करने वाले हैं। आपके घर पर छोटी मोटी योजना या फिर धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। यह जो समय है इस समय में आपका मन खुश रहेगी। प्रेम और स्नेह का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखने की कोशिश करें। इस दौरान बड़ों का साथ और समर्थन मिलेगा, और आपसे यदि कोई गलती हुई है कहीं भी तो आप किस गलती आपका मन धर्म कर्म के कार्य में बड़ा चढ़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आपको बता दे आपका मन ईश्वर के प्रति ज्यादा लगने वाला है। इस दौरान आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन आपको इसके लिए घमंड नहीं करना चाहिए। इस दौरान धन संबंधित कामों में हाथ ना डाले, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है। अचानक से दौरान धन का लाभ भी आपके जीवन में बनता नजर आ रहा है, जहां पर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप कई सारी चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। आपको इस समय कोई शुभ सूचना भी मिलेगी जिन्हें आपको तुरंत आगे बढ़ने से बचना होगा। व्यवसाय उपयोग कर आप अपने जीवन में मनोवांछित फलों की प्राप्ति कर सके और आपका जीवन बेहद ही सरल और सुंदर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो संपूर्ण वीडियो देखना है आपके लिए बेहद खास है। दोस्तों आपको अपने जीवन में की जाने वाली गलतियों के पता चलेगा, कुछ ऐसे कार्यों के बारे में पता चलेगा जिन आप कुछ सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों हमें ज्ञान तो कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है, और जो आपके लिए सबसे जरूरी है और हल्का ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को लेने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो समय निकाल कर देखे, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिस्ट मात्रा भी पछतावा नहीं होगा कि आपका समय खराब हुआ। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूले। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका उद्धार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों आपके लिए हम बेहतर से बेहतर सामग्री रोज लेकर आते हैं।
आपको रोज ज्ञान का एक नया तरह मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक दो सर्वश्रेष्ठ अनमोल वचन से। परंतु आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों हर एक बात को जरा गौर से सुनिए। दोस्तों कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे, तथा जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य की ही सदैव जीत होगी। दोस्तों अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो चलिए मित्र, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों क्यों आपसे से लोग जलते हैं, कुछ तो खास बातें होंगे आप में तभी तो लोग आपसे जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हाँ दोस्त, तो आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा कार्य करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटक लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, और आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दे, आपके दुश्मन आपको नीचे करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मानते हैं कि आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों लोगों को आपसे लेना देना है। आपको वह चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी सफलता सामने वाले व्यक्ति के दिमाग पर उनकी आंखों में खटक रही है। दोस्तों आपको हम बता दें कि कुछ लोग इतने पागल हो जाते हैं, क्या आपको बर्बाद करने की वह कस्में तक खा लेते हैं। दोस्तों इस तरह व्यक्ति या सोते हैं कि हम खुश रहे या फिर ना रहे, लेकिन हम आपको भी खुश नहीं रहने देंगे, ऐसे कस्में तक खा लेते हैं इस तरह के लोग। दोस्तों हमारा भगवान से विनती है कि आपको ऐसे लोगों से बचाए। जी हाँ दोस्तों, आगे हम आपको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताएंगे, उनको भी सुना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग आपसे जलते हैं आप उनसे मुक्त कैसे पा सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति जो आपको नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं उसके उसे षड्यंत्र में खुद उसको ही कैसे फंसाए, यह सारी जानकारियां हम आपको आगे बताएंगे। बस अनुरोध है कि वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, अगर यहां तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। तो साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दे, क्या समय माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई, आखिरी इसने ऐसा क्या कर्म किया था जो कि इसको विधाता ने इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये सब विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपके तरक्की को देखकर। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है, घर के रखरखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्य रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा भी निकलेगा, तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका वहम ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क ना बढ़ाएं, किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह साई हो सकती है।
और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। हालांकि आप भी गंभीरता और संजीदगी से परेशानियों का हल निकालेंगे, कामकाजी महिलाओं को परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी, ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, प्रेम संबंध भी प्रगाढ़ होंगे तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है तथा मित्रों, जिन बातों पर ध्यान देते हुए आप निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे, कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा, अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे, आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट ना करें, कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखे। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेगी, आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है, किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, गुस्से और आवेश पर काबू रखें और हाँ, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे, साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च चाधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है और इसी के साथ दोस्तों पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें, निवेश सोच समझकर करें, परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दे, इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है और हाँ, फोन के माध्यम से आपके व्यवसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती है। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना करें तथा दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा, लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेनदेन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है, आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा। फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे, यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दे, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग्य बन रहे हैं जो कि लाभदायक साबित होंगे और हाँ, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकाले। आपकी किसी व्यक्तिगत बात को लेकर परिवार में कोई तनाव हो सकता है, बेहतर होगा कि अपने स्वभाव के लिए आत्मचिंतन अवश्य करें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए लापरवाही ना बरते तथा समय अनुकूल है, आपके काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य करने में आपकी रुचि रहेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखना होगा, लेकिन दोस्तों परिस्थिति से ना भागे, हालात का डटकर सामना करे। किसी व्यक्ति का साथ ना मिलने से तनाव और अकेलेपन रहेगा, यही बातें आपके व्यक्तित्व को मजबूत बना रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।